अभी प्रधानमंत्री अमेरिका के, अमेरिका में जिस प्रकार की डायलॉग हुई, जिस प्रकार की बायलैटरल डिस्कशंस के आउटकम ध्यान में आया और जो गेस्चर देखने को मिला, यह प्रमाणित करती है कि यह कोई सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत सम्मान नहीं था, यह भारत के आप सभी की कलेक्टिव इफोर्ट की, सामूहिक प्रयास की ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब मान के चलो जो चीज आप कर रहे हो आने वाले दिनों में, उस आइडिया पे आपको मिलियंस मिलियंस रुपया की लाइसेंस भी जा सकता है। प्लास्टिक की धागा से आप क्या बना सकते हो, वाइल्ड ग्रास से आप डेनिम की कपड़े बना सकते हो, ये कम चीज आपने नहीं बनाया। आप एक पॉट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉली हाउस की रिप्लेसमेंट कर दिया। आपने एक प्लेटफॉर्म बना के सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की एक एग्जाम्पल उनके सामने रख दिया। ये सब एक एक चीज में इसकी मार्केटेबिलिटी, डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ नहीं देख रहा हूं, डोमेस्टिक मार्केट तो भारत के आज रोबस्ट है ही, लेकिन इस आइडिया की मैं ग्लोबल मार्केट देख पा रहा हूं। ग्लोबल साउथ की लोग और विश्व की जो गरीब तबके की देश, आप सोचो थोड़ा पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की पैर छुए तो गुड इवनिंग कहना चाहिए, रात हो गया तो गुड इवनिंग कहना चाहिए, पैर क्यों छुए? पैर प्रधानमंत्री जी का नहीं छुए, आपको छुए। वो अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई मेरे को प्लास्टिक की धागे वाला टेक्नोलॉजी मिल जाएगा कि मेरे ग्लोबल वार्मिंग लड़ सकता है, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। वो भी अपेक्षा करते हैं उनके वहां भी कुछ कलमकारी हो रहा होगा, उसमें मेरे को कोई बिजनेस प्लान मिल जाए तो मेरे महिलाओं को रेस्पेक्टिव लाइट मिल जाए। आपकी सभी के मॉडल ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ सकता है और आपके साथ भाई इर्मा है, इर्मा हमारी देश की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, आपके एलआईसी और श्रीनिवासन फाउंडेशन जिसे बोलते हैं, इनके फेयर एक्सपोजर है दुनिया के साथ। मित्रों, मैं आशा के साथ आपको कह सकता हूं इस रास्ता में थोड़ा थोड़ा चैलेंज आएगा, हर्डल आएगा, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता। आपको बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, सपना देखने से नहीं बनना है, आपको बड़ी हरसत कहता हूं, आपने कष्ट का रास्ता निकाला, आपके पास ऑप्शन था, कम से कम आप उन लोगों ने जिन जिन काम किया आपके पास ऑप्शन था, आपके नीचे जो लोग जुड़े हैं उनके पास ऑप्शन नहीं था, फिर आप लोगों के पास ऑप्शन था कि आप ये ना करके और कुछ करते, एक नौकरी करते तो आप कंफर्ट में रहते, लेकिन आपने रिस्क लिया, रिस्क खुद के लिए नहीं लिया, रिस्क